आप सभी को नमस्ते। मैं शीतल स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल में। आज मैं एक शिकायत लेके आई हूँ यूट्यूब की। देखो, हम सभी फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं, और ये तीनों ऐप अर्निंग्स के साधन है। अगर आप अच्छे से काम करो, सब मन लगा के काम करो, तो तीनों ऐप अर्निंग्स के साधन है, ठीक है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे हम किसी की वीडियो लाइक करते हैं तो हम सबको पता चल जाता है कि बंदे ने हमारी वीडियो लाइक कर दी, ठीक है। फेसबुक में अगर हम लाइक डिसलाइक जो भी करते हैं, पता चल जाता है कि भाई बंदे ने लाइक किया है। तो यूट्यूब पे क्यों नहीं है ये ऑप्शन? आपको पता है मैं इतने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चों की वीडियो डालती हूँ, अगर वहां पे 4000 लाइक होंगे ना, तो वहां पे 700-800 डिसलाइक भी होंगे। तो मैं उन लोगों को देखना चाहती हूँ कि वो जालिम लोग कौन हैं जो बच्चों की वीडियो भी डिसलाइक करते हैं। मैं उन लोगों को देख के उनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई उन बच्चों की वीडियो भी क्यों डिसलाइक करते हैं? चलो मेरी कर दो, मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो, डिसलाइक कर दो, कुछ भी कर दो, जो जो आपका मन करे वो करो। लेकिन मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं अपनी वीडियो पे, भगवान की वीडियो भी डिसलाइक कर रखी है। तो पता है मेरे को एक अजीब सी शांति मिलती है कि जो लोग भगवान को नहीं छोड़ते, वो बच्चों को और भाई हम जैसों की तो औकात ही नहीं है कुछ है, जो भगवान की वीडियो भी डिसलाइक कर देते हैं। और पता है, पता चल जाता है कितने लोगों ने डिसलाइक किया है। और एक और अच्छी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, जितना लाइक इम्पोर्टेंट होता है ना, उतना डिसलाइक भी इम्पोर्टेंट होता है। जितने आपकी वीडियो पे डिसलाइक होंगे ना, उतनी ही वो वीडियो आगे जाएगी। अब पूछो क्यों? उसका कारण ये है कि यूट्यूब को एक मैसेज मिलता है कि ऐसा क्या है इस वीडियो में जो सब डिसलाइक कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और डिसलाइक भी कर रहे हैं। तो उस वीडियो को उसकी मतलब डिसलाइक की स्ट्रेंथ देखने के लिए यूट्यूब उसको आगे बढ़ाती है उस वीडियो को। ऐसा नहीं कि आपने डिसलाइक कर दिया तो वो वीडियो आगे नहीं जाएगी, नहीं जी, जो वीडियो वायरल होती है ना, उसी पे डिसलाइक भी होते हैं और लाइक भी होते हैं। उसे लोगों की थॉट का पता चलता है कि भाई लोग क्या सोचते हैं। तो एक चीज तो ये बात करनी थी मुझे आपसे, और एक ये थी कि जो लोग अपनी खुशियों का गला घोटे रखते हैं ना समाज को लेके, समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा, ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, वो कर देंगे तो ये हो जाएगा, मत करो ये सब, बंद कर दो ये समाज का वो करना। अपने बच्चों की तरफ देखो, अपनी फैमिली की तरफ देखो, और ये देखो कि हमारी फैमिली में के मेंबर कैसे खुश हैं हमारे लिए। अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा काम करना चाहता है, मान लो डांसिंग में जाना चाहता है या किसी और चीज में जाना चाहता है, अगर आपने डांसिंग में भेज दिया तो भी बोलेंगे लोग कि देखो डांसिंग में भेज दिया अपने बच्चे को, पढ़ना लिखना तो कुछ आया नहीं, डांसिंग में भेज दिया। लेकिन अगर वही बच्चा डांसिंग में अच्छा निकल जाता है तो वही समाज तारीफ की पुल बांधने में देर नहीं लगाएगा, वही समाज तालियां बजाएगा आपके बच्चे के लिए। तो समाज का उतना ही कहना मानो जितना अफोर्ड कर सको, भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, वो बार बार नहीं मिलेगी। ये नहीं है कि मर के मामा के जाना है और आप वापिस आ जाओगे, ना जी, मर गए तो मर गए, चले गए तो चले गए। इसलिए गलत काम कभी भी मत करो कि आपकी आत्मा ही आपको धिक्कारने लग जाए। और लोगों को, उन लोगों की परवाह तो बिल्कुल मत करो जो आपको ऊंचा नहीं उठने दे रहे, ऐसे लोगों की। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके सामने आप जैसी बात और दूसरे के सामने दूसरे जैसी बात है, ऐसे दोगले इंसान, दो फेस रखने वाले इंसानों के पास तो फट कोई मत जाओ। और ये देखो हमारी खुशी किस चीज में है। लेकिन बस वो खुशी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की आत्मा तो नहीं दुखा रहे हैं ये खुशी लेके, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी का यूज तो नहीं कर रहे हैं, बस इस चीज का ध्यान रखो, बाकी और कोई चीज मैटर नहीं करती। क्योंकि हमें भी ऊपर जाना है, भगवान को जी देना है, सबको मरना है। अच्छे काम करके मरोगे तो दुनिया याद करेगी,
बुरे करके मरोगे तो ये कहेंगे अच्छा मर गया, बहुत परेशान करता था। तो अपना आगे का रास्ता भी साफ रखो और किसी को इतना भी परेशान मत करो कि वो जहर उगलने के लिए तैयार हो जाए आपके लिए। तो इसी बस ये सब बात थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कहने का मेरा फर्ज था, इच्छा आपकी है, आपको लाइक करना है नहीं करना है डिसलाइक करना है वो आपकी इच्छा है, फोर्स नहीं है किसी चीज के लिए। बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में।